सर, आज पहला दिन है 15वीं विधानसभा सत्र का, क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? इस पूरे सत्र में क्या काम होगा? इस मुबारक मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, नए वर्ष के भी और नए सत्र के भी। उम्मीद करते हैं कि ये सत्र भी और आने वाले सत्र विधानसभा के जनहित के कार्यों को प्रायोरिटी देंगे, जनता के भले के काम होंगे, विकास के काम होंगे। इस शुभकामना के साथ में और इस भावना के साथ में हम प्रवेश कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। तो क्या उम्मीद करें सर, जो पिछले दिनों जो सीन बनते हुए दिखे हैं हंगामे के, वो इस बार नहीं होंगे, क्या उम्मीद करें? हंगामे तो इशू बेस होते हैं, अगर कोई इशू बनता वास्तव में तो उस पर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको फ्रीडम है, परंतु कई बार अनावश्यक रूप से राजनीति करने के लिए उठाते तो उसमें एतराज होता है। ये लोकसभा ये विधानसभा में होता है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए, पर जनता के हित की बात करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। विपक्ष जन घोषणा पत्र को लेकर भी कह चुका है कि जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था, जिसे कि अब रूप दिया गया है एक सरकारी दस्तावेज का, तो उसे पूरा करने का पूरा दबाव बनाएंगे। अच्छी बात है, उनका ये कर्तव्य भी है, बनाना भी चाहिए, नहीं बनाएंगे तो वो लापरवाही करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, ये परंपरा मैंने ही डाली देश के अंदर। पहली बार जब 98 में मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली कैबिनेट में हमने इसी प्रकार का फैसला किया था। 2008-09 में जब बना दूसरी बार मुख्यमंत्री, तब भी हमने मैनिफेस्टो को सरकार की कार्य योजना का अंग बनाने का फैसला किया था। मुझे खुशी है कि जनता ने वादे करके जो आते हैं, हमें नहीं बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में ये भावना रहनी चाहिए, जो भावना हम प्रकट करते हैं मैनिफेस्टो में, जनता से वादे करते हैं, जब चुनाव जीत जाएं तो उसको आधार बना के वादे पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर, संख्या बल के आधार पर इस बार विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। पिछली बार 78 थे, इस बार 73 है, तब भी हमें सरकार चलाने में कोई कठिनाई नहीं आई थी, जम के हमने फैसले किए जनहित के अंदर, विकास की एक रिकॉर्ड बनाया, रिफाइनरी हो चाहे मेट्रो हो, बड़े बड़े फैक्ट्री के ब्रॉडगेज के भी, कोच फैक्ट्री के भी। वो अलग बात है, चुनाव हम जीत नहीं पाए, उसको हम जोड़ नहीं सकते, परंतु फैसले करने में, गवर्नेंस देने में, जन कल्याणकारी योजनाएं लाने में, चाहे वो दवाई फ्री की योजना हो, फ्री टेस्ट हो, पेंशन की योजना हो, जो भी योजना उस वक्त बनी उसने एक इतिहास बना दिया। और इस बार जब हम सत्ता में जीत के आए हैं उसमें कई कारणों, एक कारण ये भी है कि पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को, उनके फैसले को जन जन याद कर रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर, गांव में, ढाणियों के अंदर, उसका भी कारण है कि इस बार हमारी सरकार बनी है।